नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल एंड आप सब देख रहे हैं पटवाल कास्ट। तो आज जो मैं थोड़े अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेट श्री रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने भारत की पहली इंडिजिनस कार टाटा इंडिका का सपना देखा। टाटा इंडिका एक अफोर्डेबल, स्पेशियस और फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक थी जो हर इंडियन परिवार के लिए परफेक्ट चॉइस बनी। उनके विजन ने न सिर्फ एक कार बनाई बल्कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया और टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल प्लेयर बनाया। चलिए इस वीडियो में हम उनकी कहानी और टाटा इंडिका की जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। सो 1990s के शुरुआत में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का टाइम था, तब मार्केट ओपन ही हो रही थी और फॉरेन कार मेकर्स जो हैं वो इंडिया में एंट्री करने की सोच रहे थे। उस वक्त मारुति सुजुकी ने इंडियन रोड्स पर अपना राज किया था मारुति 800 के साथ, जो कि एक छोटी एंड अफोर्डेबल कार थी। लेकिन रतन टाटा जी का एक अलग विजन था इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। रतन टाटा जी का सपना था कि वो इंडिया की पहली इंडिजिनस डिज़ाइन की कार बनाए, एक ऐसी कार जो ना कि सिर्फ अफोर्डेबल हो बल्कि इंडियन कंज्यूमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को भी पूरा करे, यानी कि स्पेशियस हो, फ्यूल एफिशिएंट हो और इंडिया के डाइवर्स रोड कंडीशंस को संभालने में केपेबल हो। रतन टाटा जी का विचार था कि इंडियन मिडिल क्लास जो है वो ग्रो कर रहे हैं और उन्हें एक ऐसी कार की ज़रूरत है जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा ऑफर करे। उन्हें लगा कि इंडिया को सिर्फ इम्पोर्ट्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि इंडिया अपनी खुद की कार्स डिज़ाइन और बिल्ड कर सकता है। इस विश्वास ने उन्हें टाटा इंडिका का सपना दिखाया। साल था 1993। रतन टाटा जी और उनकी टीम ने टाटा मोटर्स, तब टेल्को के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक छोटी पैसेंजर कार का कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करा। इस समय तक टाटा मोटर्स को जाना जाता था उनके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जैसे कि ट्रक्स, बसेस और यूटिलिटी व्हीकल्स लाइक टाटा एस्टेट एंड टाटा सियारा। सो एक पैसेंजर कार को डिज़ाइन करना उनके लिए बिल्कुल नई टेरिटरी थी। अब चैलेंज जो है वो सिर्फ एक कार डिज़ाइन करना ही नहीं था बल्कि एक ऐसी कार को डिज़ाइन करना था जो उस वक्त के एग्जिस्टिंग ऑप्शंस जैसे कि मारुति 800 के साथ कंपटीशन कर सके, लेकिन ज़्यादा स्पेस, फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, वो भी सिमिलर प्राइस पॉइंट पर। अब टाटा मोटर्स के पास पैसेंजर कार को डिज़ाइन करने की इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। तो उन्होंने 1994 में इटालियन डिज़ाइनिंग फर्म IDEA इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसी कार को डिज़ाइन करने का फैसला करा जो सिर्फ कॉम्पैक्ट ही नहीं हो बल्कि मॉडर्न दिखे और स्पेशियस इंटीरियर को ऑफर करे। टाटा मोटर्स ने 1995 तक प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया था। डिज़ाइन प्रोसेस को टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स एंड इटालियन डिज़ाइनर्स ने साथ मिलकर किया। उनका एम जो है वो क्लियर था, मोर कार पर कार को डिलीवर करना, यानी कि ज़्यादा इंटीरियर स्पेस, ज़्यादा फीचर्स और बेहतर फ्यूल इकोनॉमी को ऑफर करना। एक और क्रिटिकल डिसीजन था कि उन्हें अपने कॉम्पैक्ट हैचबैक के अंदर एक डीजल इंजन को ऐड करना था जो उस समय इंडिया में किसी भी हैचबैक में अवेलेबल नहीं था। अब टाटा मोटर्स के पास कमर्शियल व्हीकल्स के लिए डीजल इंजन बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन पैसेंजर कार के लिए एक कॉम्पैक्ट फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन को डेवलप करना एक अलग लेवल का चैलेंज था एंड उनके पास इस एरिया में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी, जिस वजह से ये टेंशन थी कि क्या वो इस सपने को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टाटा मोटर्स ने कोलैबोरेट करा था AVL के साथ, जिनके पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज थी इंटरनल कंबशन इंजन को बनाने में। टाटा मोटर्स एंड AVL इंजीनियर्स ने साथ मिलकर एक ऐसा डीजल इंजन डिज़ाइन करा जो इंडियन कार मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, मतलब कि वो अफोर्डेबल हो, ड्यूरेबल हो एंड लो फ्यूल कंजप्शन भी हो, एंड डेवलप करा 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। एंड इसके बाद इसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग शुरू हुई इस इंजन की टू एंश्योर दैट ये कार इंडिया की चैलेंजिंग रोड कंडीशंस को हैंडल कर सके। टाटा मोटर्स का बिग मूवमेंट आया जनवरी 1998 में, जब रतन टाटा जी ने दिल्ली ऑटो एक्सपो में सबके सामने फर्स्ट टाइम टाटा इंडिका को अनवील किया था। ये इंडिया की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार थी जो पूरी तरह से इंडिया में डिज़ाइन और बनाई गई थी। प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो वो स्टार्ट होती थी एक्स शोरूम
2.6 लाख रुपीस से एंड सीधा जाती थी 3.3 लाख रुपीस तक। कार के लिए एक टैगलाइन भी थी जो थी मोर कार पर कार, जो इसकी स्पेशियसनेस, मॉडर्न डिजाइन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को हाईलाइट करती थी। लॉन्च ने एक बड़ा बस क्रिएट किया और इसे भारत का कोहिनूर भी कहा गया। रिस्पॉन्स जो थे पब्लिक के वो काफ़ी ओवरवेलमिंग थे। टाटा मोटर्स ने लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर ही 1,15,000 से ज़्यादा बुकिंग्स को कलेक्ट करा। एक इंडियन मेड कार का आइडिया जो ज़्यादा स्पेस और कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करे, ये सोच ने हमारे देश के हर एक मिडिल क्लास इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर किया था। अब इंडिका ने ऑटो एक्सपो के अंदर तो काफी अच्छा बस क्रिएट करा था, मगर किसको पता था गाड़ी के लॉन्च होने का टाटा मोटर्स को क्या क्या डिफिकल्टीज को झेलना पड़ेगा। टाटा इंडिका का पहला बैच 1999 के शुरुआत में रोल्ड आउट हुआ था। अब गाड़ी तो काफी एंटिसिपेटेड थी, मगर इसको काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कस्टमर्स ने बिल्ड क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है रिपोर्ट करा, और खास तौर पर डीजल वर्जन के लिए जिसको नॉइजी एंड अंडर पावर्ड माना गया। अब इनिशियल फ्लॉज की वजह से गाड़ी को काफी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन रतन टाटा जी इस प्रोजेक्ट के प्रति काफी कमिटेड थे। उन्होंने इन समस्याओं का सामना किया, कस्टमर्स को वादा किया कि टाटा मोटर्स इन प्रॉब्लम को जल्दी रेक्टिफाई करेगा और एक बेहतर प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। लेकिन उसी समय टाटा मोटर्स फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा था, क्योंकि इंडिका प्रोजेक्ट में भारी इन्वेस्टमेंट की थी और कार को काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला था। इसको देखकर टाटा ने अपने पैसेंजर कार डिवीजन को किसी और ऑटोमेकर को बेचने पर प्लान कर रहे थे। 1999 में टाटा मोटर्स की फोर्ड मोटर कंपनी के साथ बातें शुरू हुई। रतन टाटा जी और उनकी टीम यूएस गई थी ताकि पोटेंशियल डील पर बात कर सके। फोर्ड के हेडक्वार्टर्स पर हुई मीटिंग के टाइम फोर्ड के एग्जीक्यूटिव, जिसमें तब के चेयरमैन बिल फोर्ड भी शामिल थे, वो टाटा जी के एम्बिशंस को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। वहां पर एक एग्जीक्यूटिव ने रतन टाटा जी को कहा, आप पैसेंजर कार बिजनेस में क्यों आए जब आपको कुछ पता ही नहीं है? अगर हम आपकी कार डिवीजन खरीदते हैं तो ये हमारा एक फेवर होगा आपके ऊपर। इस ह्यूमिलेशन ने रतन टाटा जी को पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का प्लान छोड़ने पर मजबूर किया और उन्होंने प्रोडक्ट को सुधारने पर ध्यान देने का फैसला किया। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 2008, जब सब कुछ बदल चुका था। अब फोर्ड जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा था और इनके लग्जरी ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर ये लॉस में चल रहे थे। तब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर एंड लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में परचेज किया था, जिससे फोर्ड को फाइनेंशियल कोलैप्स होने से बचा लिया। उस टाइम पर बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा, आप जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीद कर हमारे ऊपर एक काफ़ी बड़ा फेवर कर रहे हैं। खैर, ये जो है बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है, जिसमें हम आगे जाके कभी बात कर सकते हैं। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। अब 2001 में टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करा इंडिका V2 को, जो एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव वर्जन था ओरिजिनल इंडिका का। इस बार टाटा मोटर्स ने कस्टमर्स के फीडबैक को काफ़ी सीरियसली लिया एंड की कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करा, जिसमें इंजन की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी एंड सस्पेंशन रिलेटेड इश्यूज थे। डीजल इंजन को रिफाइन करा गया, इसमें अभी पहले से कम नॉइजी हो गया था एंड ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। सस्पेंशन को भी यहाँ पे एनहेंस करा फॉर अ स्मूदर राइड एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश को भी इम्प्रूव करा। इंडिका V2 एक गेम चेंजर साबित हुई। सेल्स में तेजी आई और ये सिर्फ फैमिलीज के लिए ही नहीं बल्कि टैक्सी ऑपरेटर के लिए भी एक पॉपुलर चॉइस बनी, जिन्होंने इसकी स्पेशियस कैबिन एंड फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन की वैल्यू की। इंडिका V2 ने टाटा मोटर्स को इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में एक सीरियस प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करा। फन फैक्ट, 2007 में मेरी फैमिली ने भी एक इंडिका को परचेज किया था एंड वो एक सिल्वर कलर की डीजल इंडिका थी। उस टाइम पर ऑन रोड पड़ी थी 3,50,000 रुपीज की। स्क्रीन के ऊपर आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे पास मेरी गाड़ी की यही इमेजेस है, क्योंकि जिस फोन में इसकी इमेजेस थी उस फोन का मेमोरी कार्ड ही खो गया था, तो अब मेरे पास यही दो इमेजेस बची है मेरी कार की। फिर 2012 में हमने उस कार को सेल कर दिया, तो अब ये गाड़ी किसके पास है उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आज भी इसकी स्पेयर की मेरे पास पड़ी है, जिसको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तब काफी सिंपल सी जो है स्पेयर की होती थी गाड़ी की। अब 2001 तक टाटा इंडिका एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका था। इसने टैक्सी मार्केट पर अपनी जगह बना ली थी इसके स्पेशियस इंटीरियर एंड फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से।
टाटा मोटर्स ने इस कार को साउथ अफ्रीका और कई यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर 2003 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटोमेकर एमजी रोवर के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी, जिसमें टाटा इंडिका को सिटी रोवर के नाम से रिबैच किया गया एंड यूके में सेल किया। उस टाइम पर इसकी प्राइस रखी थी 6500 पाउंड से लेकर 7000 पाउंड तक, जिसको उस टाइम के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्स 4.7 लाख रुपीस से लेकर 5.1 लाख रुपीस के बीच में थी। ये गाड़ी पुणे प्लांट में बनती थी एंड यहां से फिर यूके के लिए सी रूट के थ्रू भेजी जाती थी। टाटा मोटर्स ने इंडिका के प्लेटफॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करके काफी सारे न्यूअर मॉडल्स भी क्रिएट करे थे, जैसे कि 2002 में लॉन्च करा टाटा इंडिको सेडान को, जो कि इंडिका का सेडान वर्जन था। देन 2004 में लॉन्च करा इंडिको मरीना को, जो कि इंडिको का स्टेशन वैगन वर्जन था। देन 2006 में लॉन्च करा इंडिका जीटा को, जो कि पेट्रोल वेरिएंट था इंडिका का। 2007 में लॉन्च करा इंडिको एक्सेल को, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन था इंडिको सेडान का विद एक्स्ट्रा लेगरूम स्पेस। 2008 में लॉन्च करा इंडिका विस्टा को, जो कि इंडिका का नेक्स्ट जनरेशन था विद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस स्पेस एंड फीचर्स। 2009 में लॉन्च करा टाटा मांजा को, जो कि इंडिको सेडान का नेक्स्ट जनरेशन था। 2010 में लॉन्च करा इंडिका ECS को, जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट वर्जन था इंडिको सेडान का। 2011 में लॉन्च करा इंडिका EV2 को, जो कि अपग्रेडेड वर्जन था V2 इंडिका का। 2011 में लॉन्च करा इंडिको मांजा के फेसलिफ्ट को। एंड फाइनली 2018 में इंडिका एंड इंडिको के सभी मॉडल्स को टाटा मोटर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वो न्यूअर मॉडल्स जैसे कि टियागो एंड टिगोर की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। साथ ही चेंजिंग मार्केट प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स के रहते इंडिका के लॉन्च के 20 साल बाद उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया। टाटा इंडिका जो है कई सालों तक प्रोडक्शन में रही, जिसके अगले टाटा मोटर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा और टाटा मोटर्स को इंडिका ने पैसेंजर कार सेगमेंट में एस्टेब्लिश करा। मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि टाटा इंडिका ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो इंडियन इंजेन्यूटी को भी दिखाता है। टाटा इंडिका सिर्फ एक कार ही नहीं थी, ये एक सिंबल था जो दिखाता है कि इंडिया भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिजाइन और बिल्ड कर सकता है। रतन टाटा जी के लिए ये एक सपने का सच होना था जो कोई और परस्यू करने की हिम्मत नहीं करता था। इसने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया इनोवेट, कम्पीट और ग्लोबल स्टेज पर सक्सीड कर सकता है। टाटा इंडिका के जरिए श्री रतन टाटा जी ने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब है किसी ऐसे चीज़ पर विश्वास करना जो आपसे बड़ी हो। उनके विजन ने टाटा मोटर्स को एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर से ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर में बदल दिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने एक काफ़ी बड़ा लॉस विटनेस करा उनके जाने के बाद, क्योंकि उनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा।